साइबर अपराध को लेकर दुमका पुलिस द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। साइबर अपराधी कॉमन सर्विस सेंटर CSC संचालकों के माध्यम से लाखों की ठगी करते हैं। ठगी के मामले में पुलिस ने 2 CSC संचालकों सहित कुल 6 साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। मामले का उद्भेदन करते हुए दुमका के SP अंबर लकड़ा ने बताया कि साइबर DSP मुख्यालय विजय कुमार के नेतृत्व में दुमका पुलिस को साइबर अपराध में बड़ी सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार 6 अभियुक्तों में से रामगढ़ थाना क्षेत्र के 2 CSC संचालक व 1 साइबर अपराधी तथा 3 साइबर अपराधी सरैयाहाट थाना क्षेत्र का है। SP ने बताया कि CSC संचालक साइबर अपराधियों से 20% कमीशन देकर ठगी की गई राशि कॉमन सर्विस सेंटर से निकाली गई। पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने स्वीकारा कि यश बैंक के CSC से ठगी की गई रकम की निकासी की जाती है। यश बैंक CSC के माध्यम से साइबर अपराधी एक सप्ताह में 8 से 10 लाख रुपए तक की निकासी कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने 12 और अभ्यर्थियों का नाम बताया जिसकी गिरफ्तारी जल्द होगी। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 10 मोबाइल, 3 ATM कार्ड, 3 रजिस्टर और 1 CPU बरामद किया है। जो इनका पोटेंशियल टारगेट्स हैं, पोटेंशियल टारगेट्स में जो सीधे साधे जो मोबाइल यूजर्स हैं जिनको मालूम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, साइबर अपराधी यहाँ उनको जो है कि जाल में फंसा सकते हैं। वो किसी माध्यम से कोई भी जो है अपना जो है ये मोबाइल का ATM का या तो फिर अपने जो क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड नंबर बता करके, अपना अकाउंट नंबर बता करके, या तो फिर वो किसी तरह से जो है कि उनको एक जो है कि लालच दे करके पैसा ट्रांसफर करवाते थे, जिसके माध्यम से कई लोग इसमें भुक्तभोगी हुए। क्रिमिनल पकड़ा है, ये किस तरह के हैं और कैसे पुलिस को सफलता मिली? ये सूचना मिली थी कि साइबर क्रिमिनल यहाँ एक्टिव हैं दुमका जिला में, कई थानों में एक्टिविटी इनकी देखी जा रही थी और मॉनिटर करने के पश्चात एक टीम बनाई गई और टीम जो हेडेड बाय DSP हेडक्वार्टर विजय कुमार, सुमन इंस्पेक्टर, हल्दिया थाना प्रभारी, सरैयाहाट थाना प्रभारी, इनके द्वारा एक टीम गठित की गई और सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा सूचना दिया गया कि करीब तब बाद में 6 व्यक्तियों को कुल जो है कि साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक थाना रामगढ़ से, सरैयाहाट से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक पुराना कोई 3021 है केस है, उसमें एक साइबर अपराधी को जो वांछित था उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये इनका मोडस ऑपरेंडी जो भी भुक्तभोगी रहते थे उनको ठगी का शिकार बना करके मोबाइल के थ्रू, अलफलना ऐप्स के थ्रू एक पैसे उनका जो है कि ट्रांसफ़र CSP बैंक में किया जाता था और CSP बैंक के माध्यम से इनको जो है कि पैसा दे दिया जाता था। CSP संचालक भी इसमें इन्वॉल्व थे और वो भी इसमें कमीशन लेते थे। और आप ही के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने से CSP संचालक हैं वो भी जो फाइनेंशियल नॉर्म्स है, जो भी डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो कीजिए ताकि आप इस तरह के जो है कि जाल में, इनके जाल में फंस नहीं सकें। और आगे जो है कि जितने CSP संचालकों को भी मॉनिटर किया जाएगा जिला में कि कौन क्या किस तरह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एक मिनिमम ट्रांजैक्शन का जो है कि अमाउंट होता है, उसी अमाउंट पर जो है ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और मतलब कैश आप दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर देते हैं तो इसमें जो है रिपोर्ट जो है संबंधित पदाधिकारी को दी जाती है, जो इनके द्वारा नहीं दी जा रही थी। आगे भी इनके माध्यम से कई लोगों का नाम उजागर हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग इसी टीम के माध्यम से कार्रवाई करेंगे ताकि जो है गुमला दुमका जो जिला है उसमें साइबर मुक्त हो सके। कोशिश करें कि लोगों को एक जागरूकता भी करें और ये प्रिवेंटिव का भी काम करेगा। कितना पैसा लेके उड़ाए थे? ये करीब हर एक दिन का आप बता लीजिए तो एवरेज 2 लाख का जो है कि ठगी का जो पैसा CSP में ट्रांसफ़र होता था। मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर में अराउंड 8 to 9 lakhs का जो है कि ट्रांजैक्शन होता था, जिसमें कि कई दूर दराज के भी क्षेत्र के भुक्तभोगी हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको ट्रेस करके उनको पैसा भी दिलाया जाएगा। सर, कितने CSP संचालक हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या बरामद हुआ? ये कुल 2 CSP संचालक है, जिसमें से कि 4 साइबर अपराधी अलग से गिरफ्तार हुए हैं, टोटल 6 गिरफ्तार हुए हैं।
इसमें सिम और फर्जी जो है सिम्स गिरफ्तार ये बरामद हुए हैं जो सीज किया गया है। 10 मोबाइल फोन्स सीज किए गए हैं, लैपटॉप सीज किया गया है, साथ में मॉनिटर और सीपीयू और मोटरसाइकिल एवं रजिस्टर जो सीएसपी सेंटर में मेंटेन होते हैं वो सीज किया गया है और इनके साथ साथ और। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.